कांग्रेस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पद्म भूषण बछेंद्री पाल के नेतृत्व में 13 भारतीय महिला साहसी लोगों की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 16,500 फुट ऊंचे गोरीचेंग ग्लेशियर पर चढ़ाई की। इस दल में नागपुर की पर्वतारोही बिमला देउस्कर भी शामिल थी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की आर्मी एडवेंचर और इनक्रेडिबल इंडिया डेस्टिनेशन अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से समिट्स एंड स्टीयरिंग व्हील नाम से इस अभियान की योजना बनाई गई थी। इसमें 52 से 82 वर्ष की आयु वर्ग की महिला पर्वतारोहियों ने भाग लिया था। पद्म भूषण बछेंद्री पाल इनके साथ पद्मश्री चंद्रप्रभा ऐतवाल, वसुमती श्रीनिवासन, बिमला देउस्कर, मेजर कृष्णा दुबे, गंगोत्री इंदुमती, पायो मुर्मू, कमांडेंट सीमा टूलिया, एल अन्नपूर्णा, सुषमा बिसा, आशा तोमर, मीनाक्षी पोपाली और शिल्पा इनका समावेश था। चंद्रप्रभा ऐतवाल दीदी 82 इयर्स ओल्ड, हमारी देश की बहुत ही मानी हुई पर्वतारोहण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, नेशनल एडवेंचर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बहुत सारे अवार्डों से आपको नवाजा गया है। इस उम्र में आप यहाँ तक पहुँची, तो दीदी आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है? सब लोगों के बारे में अच्छा लग रहा है। जो गोल बनाया था ये समिट्स एंड स्टीयरिंग व्हील्स ने और एक एक अल्टीमेट गोल किया था, एक ग्लेशियर में आना इज वेरी वेरी टफ एंड वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी रिस्की। तो कल जिस तरह की बात हुई थी तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे हम लोग। हमने कहा ठीक है लेक तक आएंगे, वहाँ से वापस चले जाएंगे, और लेकिन बाद में ये हुआ कि लेक तक भी शायद लोग नहीं पहुँच पाएंगे, इट विल टेक 4 आवर्स। लेकिन आज सवेरे जब सब लोग कंफर्टेबल थे तो हमने सोचा चलो जहाँ तक जा सकते हैं चलेंगे। सीमा से पूछा, तेरे से पूछा और कृष्णा से, पायो से, भैया ने बोला हाँ आप ट्राई करेंगे, है ना। तो आए तो हमने 8:30 बजे शुरू किया और ये सोच के कि चलो लेक तक भी आएंगे, वहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन टाइम इतना अच्छा, टाइम मैनेजमेंट वॉज सो गुड एंड मौसम वॉज ऑल्सो गुड, और तो हमने चलना शुरू किया। लेक प्रसिद्ध पर्वतारोही और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता बिमला देउस्कर, जिन्होंने 14 एवरेस्ट पर्वतारोहियों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने पिछले साल ट्रांस हिमालयन ट्रैक में भाग लिया था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।